Good afternoon, students. Today we shall study reference to the context. And the lines are, the woods are lovely, dark and deep. Yahan se leke before I sleep tak. And these lines have been taken from the poem, Stopping by Woods on a Snowy Evening. So, its reference to context will be, sabse pehle humne likhna hai reference to context, uske baad hum likhenge, these lines have been taken from the poem Stomping by Woods on a Snowy Evening written by Robert Frost. To ye lines li gayi hain, ek poem hai, Stomping by Woods on a Snowy Evening, aur is poem ko likha hai Robert Frost ne. These lines convey the meaning that we should reach our destination without being deviated from our path. These are very inspirational lines, ठीक है? तो ये lines हमें बताती हैं कि हमें कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए और अपने लक्ष्य तक हमें पहुंचना चाहिए हर हालत में. और ये lines बहुत ज़्यादा inspire करने वाली, बहुत ज़्यादा प्रेरणा देने वाली lines हैं. और इनकी explanations हैं. इनकी एक्सप्लेनेशन है, इन दीज लाइन्स द पोइट सेज दैट द वुड्स आर लवली एंड लार्ज बट ही कैन नॉट स्टॉप टू एन्जॉय इट. तो इन लाइन्स में पोइट कह रहा है कि ये जो पेड़ों का जो झुंड है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन वो यहाँ इस सुंदर नज़ारे को देखने के लिए ज़्यादा देर रुक नहीं सकता. ही हैज़ मैनी थिंग्स टू डू इन हिज लाइफ, उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम पूरे करने हैं. ही हैज़ टू रीच हिज डेस्टिनेशन बिफोर ही कैन टेक रेस्ट, और रेस्ट करने से पहले, आराम करने से पहले उसे अपनी मंजिल तक हर हालत में पहुँचना है. ही हैज़ टू फुलफिल ऑल द प्रोमिस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लाइफ बिफोर लिविंग दिस वर्ल्ड, और उसे इस दुनिया को छोड़ने से पहले बहुत सारे प्रोमिस और बहुत सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना है. नो वे साइड चार्म्स कैन डेविट हिम फ्रॉम हिज मिशन, तो कवि को आसपास के जो मनमोहक और सुंदर नज़ारे हैं उसको उसके लक्ष्य से भटका नहीं सकते हैं. एंड ही इज़ फोकस्ड टुवार्ड्स द गोल ऑफ हिज लाइफ, और कवि का पूरा ध्यान जो है अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य की ओर लगा हुआ है. थैंक यू सो मच लिसनर्स, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.